इनके नेता यहां घूम रहे हैं। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ पहुंचे यहां, उत्तर प्रदेश में आग लगाने के बाद ये लोग बिहार को आग की भेंट करना चाहते हैं। इसलिए सचेत रहिए, समाज में कोई भी झगड़ा लगा सकते हैं ये लोग, ऊपर से विकास की बात और नीचे समाज को बांटने की बात। अरे मैं पूछता हूं, हिंदुओं की कितनी संख्या है? आप खुद बताते हैं बहुसंख्यक है 85% संख्या, अल्पसंख्यकों की कुल संख्या कितनी हुई सब मिलाकर के 15%। किस प्रकार से हिंदुत्व जगा रहे हैं आप, कैसा हिंदू बना रहे हैं? कायर 15% का डर 85% को दिखला रहे हैं, अल्पसंख्यक का डर बहुसंख्यक को दिखा रहे हैं, मतलब आप तो कायर बना रहे हैं बहुसंख्यक समाज को। लेकिन इन बातों पर गौर करिए और लोगों को कहिए कि 85% को डरवाना ये कौन सा पुरुषार्थ का, ये कौन सी मर्दानगी। तो और अकूत धन संपत्ति खर्च करके प्रचार तंत्र, क्या क्या प्रचार किया, कितना प्रचार किया। कोई कहता पानी की तरफ पैसा बहाया, मुझको तो लगता है पानी को बहाने में भी कभी कभी मोह होता था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने धन बहाया चुनाव में, कितना प्रचार किया, टेलीविजन के हर चैनल पर कितना प्रचार हुआ, अखबारों में कितना प्रचार हुआ, सोशल मीडिया पर कितना प्रचार हुआ। बिहार में बिजली की स्थिति को ठीक करने का विजेंद्र बाबू ऊर्जा मंत्री थे, हमने संकल्प ले लिया था। 15 अगस्त 2012 को झंडा फहराने के बाद गांधी मैदान में पटना में हमने कह दिया कि बिजली की स्थिति में हम सुधार लाएंगे, और अगर सुधार नहीं ला पाएंगे तो 2015 के चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे। और बिजली की स्थिति सुधरने लगी, हर आदमी महसूस कर रहा, जहां बिजली पहुंच गई वहां 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा 24 घंटा बिजली मिलने लगी, जहां नहीं पहुंचा वहां पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा। लोकसभा चुनाव के पहले ही 20,000 गांव में बिजली पहुंचा दिया, अब बिजली रहने लगी। बिजली आ गई तो लोगों ने टेलीविजन देखना शुरू किया, और टेलीविजन देखना शुरू किया और टेलीविजन पर लोकसभा के चुनाव में इतना प्रचार, इतना प्रचार। अब की बार मोदी सरकार, अब छोटा छोटा बच्चा भी कहने लगा अपने घर में, मम्मी मम्मी अब की बार मोदी सरकार, बिजली दिए हम लोग, अब वोट ले गया वो। आप चुप्पा साधे हुए थे इसलिए ही सब लोग, ताज आपके बीच में आए हैं, जो झूठ बोलते हैं, नफरत का बीज बोते हैं, इस सब से आगाह करने के लिए। और आप मजबूती के साथ जुबान चलाइए, भाजपा कनफुकवा पार्टी है, सचेत हो जाइए। एक गो का कान फूकने पहुंचे तब 5 गो आदमी उसको ठीक करने के लिए पहुंच जाइए। इस स्तर पर जब सक्रिय हो जाइएगा तो उनकी दाल नहीं गलेगी।